नमस्कार मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपियन नई न्यूज़ एसपी नई न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे सी और ई के जो आरोप मनीष सिसोदिया और संजय जी लगा रहे हैं वो बहुत चिंता का विषय है आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है कि मनीष सिसोदिया से बहरहाल अब ई डी पूछताछ करेगी लेकिन जो आरोप लगे जरा गौर से सुनिए सबसे पहला थर्ड थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप लगा कि मनीष सिसोदिया के साथ सीबीआई दरअसल थर्ड डिग्री टॉर्चर के इस्तेमाल कर रही है उसके बाद संजय सिंह ने जो आरोप लगाए वो और भी भयावह है उन्होंने दरअसल कहा कि मनीष सिसोदिया की हत्या की जा सकती है अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको मारने की साजिश चल रही है अब जो आम आदमी पार्टी कहती है वो दरअसल लगभग होता हुआ ही हम सबको दिखता है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि पहले मनीष सिसोदिया से पूछताछ की बात हुई थी कि सीबीआई का समझ जाएगा ई का समझ जाएगा और वो होता हुआ दिखा उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने कहा कि दरअसल उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी और वो भी होता हुआ दिखा और अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जब तिहाड़ जेल में बीस दिन के लिए भेज दिया गया

इनका इस्तेमाल किया जा रहा है आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी तो यादव लालू आ, की पत्नी राबड़ी देवी पर चार घंटे पूछताछ हुई लालू यादव को उस समान भेजा गया तो इन सब के बीच में ओवरऑल देखा जाए तो केंद्र की एजेंसियों आ, की साख भी वैसे ख़राब हो रही है उन पर भी सवाल उठ रहे हैं उनकी छ उनको उनका दुरुपयोग हो रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हालांकि लेटर भी लिखा गया तो इन सब के बीच में ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में उनके जान को खतरा है या सिर्फ़ एक सियासत के रूप में एक मजाक सब बनकर रह गया देखना पड़ेगा के आने वाले वक्त में अब इसका जवाब केंद्रीय एजेंसियां क्या कुछ देती हैं आजकल इतना ही मुझे दीजिए इजाजत न्यूज नमस्कार